जैन साथियों देखिए इतिहास यानी कि एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इसमें आज हमारा टॉपिक है अशोक मौर्य, क्योंकि हम मौर्य वंश के संस्थापक पढ़ रहे हैं। मौर्य वंश का संस्थापक पढ़ा हमने चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे अशोक मौर्य। जो अशोक था उसको कहते हैं अशोक द ग्रेट, क्योंकि एक महान शासक था और एक परोपकारी भी शासक था। अशोक मौर्य का शासनकाल देखिए तो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व, मिश्र का मतलब होता है ईसा पूर्व, ठीक है। अब देखते हैं अशोक मौर्य है, इसके पिता का नाम, इनके पिता का नाम था बिंदुसार। क्या था? बिंदुसार। और बिंदुसार को अमित्रोचेडस कहते हैं, ये हमने पढ़ा लिया है पिछले वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसको आप देख लीजिएगा। तो बिंदुसार की बात करते हैं, तो अशोक के पिता का नाम है बिंदुसार और अशोक मौर्य वंश का प्रमुख शासक था। जैसा कि मैंने बताया अशोक द ग्रेट, तो अशोक मौर्य वंश का प्रमुख शासक था और मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, वो हमने देख लिया है। अब बात करते हैं अशोक मौर्य का अन्य नाम, तो इनको कहते हैं देवनाम प्रियदर्शी। अब देवनाम प्रियदर्शी क्यों कहते हैं अशोक को, क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये है, जो देवनाम प्रियदर्शी है, इसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। क्या होता है? देवताओं का प्रिय। तो देवताओं का प्रिय होने के कारण उनको कहते हैं देवनाम प्रियदर्शी। क्या कहते हैं? देवनाम प्रियदर्शी कहते हैं। और अशोक ने क्या किया? एक युद्ध किया, बहुत ही बड़ा युद्ध था, जिसका नाम था कलिंग युद्ध। हालांकि कलिंग अभी भारत में कहां पर है, तो आपका उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में है कलिंग। कलिंग युद्ध किया था उसके 8वें वर्ष, यानी कि 8वें वर्ष का मतलब होता है जन्म से 8वें वर्ष नहीं, वो अपने जब राजगद्दी पर बैठा उसके 8वें वर्ष, तो 8वें वर्ष पर कलिंग युद्ध किया। और कलिंग युद्ध एक बहुत बड़ा नरसंहार था। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया? आपका धर्म घोष को अपना लिया, यानी कि जो भैरी घोष था युद्ध युद्ध को अब छोड़ दिया है। कलिंग युद्ध के बाद युद्ध युद्ध को छोड़ दिया और धर्म घोष को अपना लिया, ठीक है। और कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म जो हमने पढ़ लिया है, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध, और बौद्ध धर्म को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी अपनाया था और उनकी मृत्यु को कहते हैं महापरिनिर्वाण, और महात्मा बुद्ध की मृत्यु को भी कहते हैं महापरिनिर्वाण। इनकी बौद्ध धर्म हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब देखते हैं अशोक मौर्य की बात करते हैं, तो अशोक मौर्य ने जो नेपाल है, पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये म्यांमार, सभी भारत में आते थे और उसको कहते थे अखंड भारत। अब नेपाल की बात करते हैं, तो नेपाल में इसने देवपतन नगर बसाया था। देवपतन नगर बसाया, तो आप इसको इस प्रकार याद रखना कि देवपतन नगर तो अशोक के बारे में, और देवनाम प्रियदर्शी भी आपका अशोक मौर्य के बारे में होगा। और अब देखते हैं अशोक मौर्य के गुरु का नाम क्या था, तो अशोक मौर्य के गुरु का नाम था उपगुप्त। ये गुप्त आ रहा है, तो साथियों गुप्त वंश मत लगाना, गुप्त आ रहा है, उपगुप्त आ रहा है, इसीलिए यह इसका आंसर होगा अशोक मौर्य। मौर्य वंश एक महान और मगध का, मगध पर सबसे बड़े, सबसे पहले मगध पर सबसे पहले, मगध पर सबसे पहले जो प्रमुख शासक था वो आपका था चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके जो प्रमुख है वो अशोक था। अब देखिए अशोक की बात करते हैं, तो पिता हो गए बिंदुसार, और बिंदुसार के पिता है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो अब देखते हैं अशोक मौर्य है, अशोक मौर्य का हम लिखेंगे धम्म घोष, पहले आप इसको देख लीजिए साथियों। अब देखते हैं अशोक का धम्म, अशोक का धम्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में आता है अशोक का धम्म। तो धम्म का मतलब होता है भैया अच्छा काम करना जनता के लिए, क्योंकि वो राजा था। अशोक क्या था? राजा था, तो राजा है वो जनता के लिए अच्छा काम करेगा, और जनता को प्रजा कहते हैं, तो प्रजा की भलाई करेगा, इसलिए उसने अशोक का धम्म, यानी कि हम किताबों में अशोक का धम्म पढ़ते हैं, लेकिन उस समय उसने धम्म चलाया था, ठीक है। धम्म एक नैतिक संस्था थी। अब नैतिक से आप समझ सकते हो कि नैतिक संस्था थी, यानी कि दूसरों के लिए अच्छा काम करना नैतिक संस्था थी। अब देखते हैं, देखो सामाजिक दृष्टिकोण का निर्माण करना, अशोक ने सामाजिक दृष्टिकोण का निर्माण कहा और समस्त प्रजा को अपना पुत्र कहा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि समस्त प्रजा को अपना पुत्र कहा है, अशोक ने समस्त प्रजा को अपना पुत्र कहा है, और माना जाता है और कहा भी जाता है कि भैया कि वह 24 घंटे सातों के सात दिन वह जनता की भलाई के लिए काम कर रहा था। अब बात करते हैं जो अशोक के पुत्र थे, अशोक के पुत्र थे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा। तो इन दोनों को अशोक ने श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और जो इनका जो आपका पिता था बिंदुसार, इनके पिता का नाम बिंदुसार था, बिंदुसार है आजीविक संप्रदाय में विश्वास करता था। आजीविक संप्रदाय यानी कि किसी भी भगवान को नहीं मानना, किसी भी भगवान को नहीं मानना, इनकी वो आपका नास्तिक होता है। और जबकि जो बिंदुसार के पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो किस धर्म के थे? जैन धर्म के थे। जबकि जो अशोक है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक, अशोक मौर्य है वह आपका कौन सा धर्म हो जाएगा? बौद्ध धर्म हो जाएगा। तो बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका को श्रीलंका भेजा, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए किसको श्रीलंका भेजा?
अपने पुत्र और अपनी पुत्री को श्रीलंका भेजा, जिसको आप नोट डाउन करना, ये कई बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है और आएगा भी। तो कहां पर भेजा? श्रीलंका में भेजा। अब अशोक ने क्या किया? अशोक ने सर्वप्रथम जनता में शिलालेख की छाप छोड़ दी। शिलालेख क्या होते हैं? जो शिला यानी कि जो पत्थर और लेख, यानी कि पत्थरों पर लेख लिखना, पत्थरों पर जो लेख लिखा जाता है उसको शिलालेख कहते हैं। क्या कहते हैं? शिलालेख कहते हैं। क्योंकि उस समय कागज की खोज नहीं हुई थी, तो उस समय पत्थर ही थे, तो पत्थरों पर वो जो पेंटिंग करना या कुछ लिखना है तो वो कहलाते थे शिलालेख। शिलालेख में जो भाषा थी वो थी प्राकृत भाषा थी। क्या थी? प्राकृत भाषा थी। और शिलालेख को आज तक जिसने समझा है, सबसे पहले जिसने समझा है वो है जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप एक वैज्ञानिक थे, महान वैज्ञानिक, जिन्होंने शिलालेख को सबसे पहले समझा था। और बात करते हैं जो कलिंग युद्ध था, जो अशोक ने जो कलिंग युद्ध किया था, उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया और युद्ध को छोड़ दिया, यानी कि भैरी घोष को छोड़ दिया और धम्म घोष को अपना लिया, जो हम पढ़ रहे हैं धम्म। जो कलिंग युद्ध था वो अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है, यानी कि अशोक ने जो शिलालेख की छाप छोड़ी थी, अनेकों शिलालेख छपवाए थे, अनेकों शिलालेखों पर उन्होंने अंकित करवाए थे, तो उसमें जो 13वां शिलालेख है ये एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि कलिंग युद्ध का जो आपका कलिंग युद्ध का जो प्रमाण है वो कहां से मिलता है? 13वें शिलालेख में मिलता है। ये इसको आप इंपोर्टेंट लगाना, ये एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये था आपका अशोक का धम्म। इस प्रकार से हमने मौर्य वंश का जो अंतिम शासक, अंतिम तो नहीं कह सकते, जो महान शासक थे वो थे अशोक मौर्य। और मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ है वो कुछ है, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दशरथ है, बृहदर्थ है, लेकिन जो आपका हमने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, जो मौर्य वंश के प्रमुख राजवंश थे, और यहीं से प्रश्न आते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।